फॉर्म सिक्स फॉर्म सिक्स फॉर्म सिक्स क्या है ये फॉर्म सिक्स दोस्तों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक मेन फॉर्म्स की लिस्ट में जो फॉर्म आता है उसको कहते हैं फॉर्म नंबर सिक्स। आपने कई बार सुना होगा, आपने नियर डियर से पूछा होगा, रिश्तेदारों से दोस्तों से पूछा होगा कि मुझे नई वोट बनवानी है, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना है, नया वोटर आई कार्ड बनवाना है, तो मैं कैसे बनवाऊं? आपके जो आपका इलेक्शन ऑफिस है, आपका मतदाता पहचान पत्र कार्यालय है, आपका एसडीएम ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, जहां भी आपका ये काम होता है मतदाता पहचान पत्र बनने का, या आपके बूथ का बूथ लेवल ऑफिसर है यानी कि बीएलओ साथी, उसने भी आपको यही सलाह दी होगी कि फॉर्म नंबर सिक्स अप्लाई करना है। तो ये फॉर्म नंबर सिक्स आखिर होता क्या है, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से फॉर्म नंबर सिक्स के बारे में। मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए और नया वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए जिस फॉर्म की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं फॉर्म नंबर सिक्स। तो दोस्तों फॉर्म नंबर सिक्स में क्या क्या चाहिए और क्या क्या उसकी जानकारी है आज हम उसकी बात करेंगे। मात्र 5 से 7 मिनट में घर बैठे बैठे अपना आप फॉर्म भर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से। कहीं नहीं जाना, किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने, कोई भी पैसा खर्च नहीं करना। तो चलते हैं फोन की मेन स्क्रीन पर। उससे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जब भी आप फॉर्म नंबर सिक्स अपने फोन से भरने के लिए बैठे, आपके पास 3-4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्या क्या? एक आपका एज प्रूफ, एज प्रूफ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट या एनसीडी द्वारा कोई भी दिया गया सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही हो, एक न्यूनतम खींचा हुआ पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो जो बहुत ही अच्छा सा लगे, जो आपकी अपने पहचान पत्र बनवा रहे हैं ना अपनी ही फोटो के लिए सुंदर सी एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक आपका एड्रेस प्रूफ यानी कि जहां आप निवास करते हैं, निवास स्थान का पते का सबूत। तो उसमें क्या होगा, बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, गैस कनेक्शन, पासबुक, कोई भी रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, ये 3-4 फॉर्म हो गए, और साथ में एक आपका एंड्रॉइड फोन जिससे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलते हैं फोन की मेन स्क्रीन पर। चलते हैं दोस्तों फोन की मेन स्क्रीन पर। और आपके पास एंड्रॉइड हो, iOS हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर लिखना है वोटर हेल्पलाइन ऐप। कुछ इस तरह से सिंगल मिलेगा आपको, इस सिंबल को याद कर लेना, वोट कास्ट करते हुए फिंगर जो है पहला ऑप्शन है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें इस तरह का एक होम पेज मिलेगा, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया एक सटीक सॉफ्टवेयर। लेफ्ट हैंड साइड पर वोटर रजिस्ट्रेशन है, इसमें देखिए वोटर सर्विस दे रखी है फॉर्म नंबर 6, 7, 8, 8A। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आई है नई, लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं हम अपनी, हम किसी भी भाषा में भर सकते हैं। हमने इंग्लिश सेट किया, गेट स्टार्ट, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6 नए मतदाता के लिए, लेट स्टार्ट करेंगे। अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, इस पर एक OTP आएगा, OTP आया, हम OTP को फिल कर देंगे और वेरीफाई करके स्टार्ट हो गया, लेट स्टार्ट। देखिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलना है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अधूरी जानकारी ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे, कुछ मिस हो जाएगा, फिर आप फॉर्म गलत भर देंगे और फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है ना। घर बैठे बैठे हम आराम से इजीली काम करेंगे। वो पूछता है अब सॉफ्टवेयर, प्लीज़ इंश्योर दैट यू अप्लाई फॉर्म ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। आर यू अप्लाई फॉर द वोटर आई कार्ड फर्स्ट टाइम, यस। इस पर क्लिक रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपका जो भी स्टेट लगता है, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उसको फिल करेंगे, जो भी आपका ज़िला लगता है, डिस्ट्रिक्ट लगती है, अब उसको फिल करेंगे, जो भी आपकी विधानसभा लगती है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस भी विधानसभा के आप नागरिक हैं उस पे जाएंगे और अपनी विधानसभा को फिल करेंगे, ताकि वो सही विधानसभा में फॉर्म आपका जा सके। ये अपनी विधानसभा फिल करी, अब आपको करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है।
उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ का, हम डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे हैं उसका टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट लगाना है। पहले सिलेक्ट करना है कि क्या डॉक्यूमेंट हम देंगे। इसमें कई तरह के डॉक्यूमेंट हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है MCET द्वारा, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th है, CBSE बोर्ड का जो दिया होता है, इंडियन पासपोर्ट है, या आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट है। तो आपके पास जो भी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित डॉक्यूमेंट हो आप उसको लगा लीजिए। मैं यहाँ आधार कार्ड फिल कर रहा हूँ, अब उसको अपलोड करेंगे। अगर आपके पास गैलरी में है तो आप गैलरी से ले सकते हैं उसको, जो गैलरी में रखा हुआ था, और ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया। देखिए आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है बिल्कुल उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप। इतना इजी कर दिया है, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, आप घर बैठे बैठे फॉर्म भर सकते हैं। देखिए अब आपका आ गया पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाने का। एक सुंदर सी अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाइए, सेल्फी बिल्कुल ना लगाइए, क्योंकि आपका खुद का वोटर आई कार्ड है यार, जो आप लगाओगे वैसे ही आएगा। आड़ी टेढ़ी फ़ोटो ना लगाएं, अपनी एक सुंदर सी फ़ोटो लगाएं जो आपके सुंदर सा वोटर आई कार्ड बन गया है। ये हमने इसे क्रॉप करा, ये देखिए पूरी एकदम फिट फोटो आई है। इसके बाद अपना सिलेक्ट जेंडर करेंगे, मेल फीमेल, अगर थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर। अब आपको क्या करना है, अपना नाम फिल करना है। याद रखिए जो भी आप नाम फिल करेंगे प्लीज़ कैपिटल लेटर में करना। उससे क्या होता है, वैसे अधिकतर सारे फॉर्म ही कैपिटल लेटर में भरने चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या होता है, जो छप के आता है ना बड़ा अच्छा लगता है वो दिखने में भी, और स्पष्ट भाषा में पढ़ा भी जाता है। जैसे हमने नाम फिल कर दिया, अगर आपके पास सरनेम है, जो भी आप सरनेम लगाते हैं अपना, आप सरनेम लिखिए। ये एक साथ कभी ना लिखिए, मैंने कई बार देखा है लोग अपना नाम के साथ सरनेम लिख लेते हैं और फिर नीचे भी सरनेम लिख लेते हैं, तो वो गलत तो डबल डबल आ जाता है। उससे क्या होता है, BLO हमारे जो होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, या जहाँ भी ऑफिस में हो जाता है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, और कई बार डॉक्यूमेंट मैच नहीं करता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे मांगा हमारा आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड फिल कर दिया। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है इस केस में क्या कहेंगे आप, नीचे क्लिक कर देंगे। वैसे आपके पास आधार कार्ड है, आप लगा रहे हैं ना उसको, आपने एज प्रूफ में भी उसको दिया है, उसका नंबर यहाँ फिल कर देंगे। इससे क्या होगा, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नई योजना शुरू हुई है 1 अगस्त 2022 से, जिसमें आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी लिंक हो जाएगा। तो आपको वो लिंक कराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ पे फॉर्म में भर देंगे उसको ऑलरेडी। अब यहाँ पर एप्लीकेंट का फ़ोन नंबर डालना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर हो आप उस फ़ोन नंबर को फिल कीजिए। आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है या फिर फ़ोन में नेटवर्क का इश्यू होता है कई बार, तो आप घर वालों में, घर पे किसी रिलेटिव का, माता बहन बीवी किसी का भी अपने रिलेटिव का नंबर दे सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, रिलेटिव की डाल सकते हैं। देखिए इसमें एक और नया ऑप्शन आया है, डिसेबिलिटी। अगर आप किसी प्रकार के दिव्यांग हैं तो उसके पास आपका ऑप्शन है, लोकोमोटिव है, विजुअल है, डीफ एंड डम है, अदर है। अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह की दिव्यांगता है, मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी का, दिव्यांगता का परसेंटेज डालना पड़ेगा, कितने परसेंट दिव्यांग है। वो आपके दिव्यांगता के सर्टिफिकेट पर जो मेडिकल से मिला हुआ है आपको डॉक्टर द्वारा वेरीफाई, उस पर लिखा होगा, और अपनी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर फोटो खींच के अपलोड करना है। अभी फ़िलहाल जो एप्लीकेंट है वो दिव्यांग नहीं है, तो उसके बाद हम इसको हटा देंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आएगा रिलेशन ऑफ टाइप, फादर नेम, मदर नेम, वाइफ का नाम, या कोई लीगल गार्जियन हो, जैसे कोई गुरु भाई हो थर्ड जेंडर के लिए, तो अपना वो डाल सकते हैं। यहाँ फादर है तो फादर का नाम डालेंगे। अगर फादर का या रिलेटिव का वोटर आई कार्ड नंबर है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो सके। फादर नेम आ गया, देखिए ऑटोमेटिकली रीजनल लैंग्वेज में आपका वो हो जाता है। अब आपको डालना है अपना क्या, हाउस नंबर। जो भी आपका हाउस नंबर है इसको भी प्लीज़ केयरफुली फिल करना, क्योंकि आप जो भी आई कार्ड नंबर डालो, सॉरी एड्रेस डालोगे, उसी एड्रेस पे ही आपकी इंक्वायरी आएगी,
उसी एड्रेस पे ही आपका BLO आएगा, उसी एड्रेस पे ही आपको कोई लेटर देना होगा डिपार्टमेंट को तो वो भेजेंगे, और बाई पोस्ट डाक द्वारा आपका पहचान पत्र घर पे आएगा, स्पीड पोस्ट द्वारा। आपकी कोई गली है, लोकेलिटी है, आप उसको फिल कीजिए। अगर आप किसी फ्लोर पे रहते हैं तो जैसे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, जो भी आपके डीड में लिखा होगा सेल डीड में या बिजली के बिल में, पानी के बिल में, आप वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका गली नंबर, गली नंबर है, एरिया है, लोकेलिटी है, कोई मोहल्ला है, किसी रोड का नाम है, आप उसको फिल कर सकते हैं। जैसे होता है ना 100 फुटा रोड, 60 फुटा रोड, कोई मोहल्ले का नाम होता है, किसी समाज के ऊपर एक मोहल्ला बन जाता है, वाल्मीकि मोहल्ला, केसरी मोहल्ला, ठीक है ना। और कोई लोकेलिटी होती है जिसका एक चिन्ह होता है कि नियर अबाउट इसके आसपास है, कोई एरिया है, आप वो फिल कर सकते हैं। कोई ब्लॉक है उसको डाल सकते हैं आप, ताकि उसकी पहचान निश्चित हो सके, आराम से सुनिश्चित करके BLO आपके पास पहुंच सके, वो कहे हाँ मेरे ही PS का फॉर्म है ये, डाकिया जो पोस्टमैन है वो भी आपका लेटर सही से दे सके। आपका जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है विलेज टाउन के बाद, आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां का लिख के आप जो भी आपका पोस्ट ऑफिस फिल होता है उसे फिल कीजिए। पोस्ट ऑफिस को जो भी आपका पिन कोड लगता है आप उस पिन कोड को फिल कीजिए। अच्छा, ये आएगा तहसील, तहसील दोस्तों जो भी आपका सब डिवीजन होगा आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ, जो आपने ऊपर ये एड्रेस फिल किया है इसका आप क्या प्रूफ दे रहे हैं, वाटर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, करंट पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लेटर हो, कोई रजिस्ट्री रेंट की सेल डीड हो, कोई अदर डॉक्यूमेंट हो। अच्छा देखिए, इसमें एक और बहुत बढ़िया मजे की चीज़ है, हम अपना डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड लगा सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में भी लगा सकते हैं, बल्कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उसे लगा दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा वो। ये देखिए हमने लगाया इलेक्ट्रिसिटी बिल, सबके घर में ही बिल आता है यार, लाइट आती है, पानी का बिल होगा, गैस का कनेक्शन होगा, बैंक की पासबुक होगी, पासपोर्ट होगा, लाइसेंस होगा, सभी ट्रैवल करते हैं आजकल, सभी के पास अपनी कन्वेंस है, कुछ भी लगा सकते हैं आप, जिसमें भी आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस आ रहा हो। अब उसको हमें क्या करना है, अपलोड कर देना है। अगर आपके पास है, नहीं है तो आप फोटो को हाथों हाथ खींच के क्लिक करके लगा सकते हैं। ये देखिए खींचा और यूज़ फोटो, आप इसे एक छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास वो है, गैलरी में है, तो आप उसको गैलरी में जाकर अपलोड कर सकते हैं। देखिए बिजली का बिल आ गया पूरा, एकदम एक एक शब्द पढ़ा जा रहा है सुंदर सा, अपने ही तो डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं यार। देखिए इसका प्रीव्यू कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट करेंगे, अब एक डिक्लेरेशन आएगी, जो भी आपने फॉर्म को फिल करा है सब कुछ आपकी नॉलेज में है ना। ये देखिए आपका राज्य आ गया, आपकी डिस्ट्रिक्ट आ गई, आप कहाँ रहते हैं आप डाल दीजिए उस जगह का नाम जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, कब से रहते हैं आप यहाँ पर, आप उसकी डेट डाल दीजिए। उसके बाद आपका नाम आएगा और पैलेस ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कहाँ से इस फॉर्म को भर रहा है। सारा फॉर्म फिल हो गया, सब कुछ देख लिया आपने, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद भी आपको टाइम मिलता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर एक टाइमर चल रहा है, पूरे 5 मिनट का टाइम मिलेगा जो आपने फॉर्म को भरा है उसका प्रीव्यू चेक करने के लिए। नाम, फ़ोन नंबर, फादर नेम, आधार कार्ड नंबर, हाउस नंबर, आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया है वो सही आया है ना, सब कुछ देखिए। पूरा फॉर्म फिल करा आपने, पूरा फॉर्म चेक कर लिया, यानी कि आप ने सारा कुछ सही कराया। अगर नहीं है तो क्रॉस करके बैक जाके उसे ठीक कर सकते हैं, इसको हम कंफर्म कर देंगे सब कुछ हमारा ठीक है। एक स्माइली सा फेस आएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एज ऑन डेट, जिस भी डेट को आप भरेंगे नीचे एक रेफरेंस आईडी लिखी होगी, इसको जरूर नोट करके रख लें, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख दें,
उससे क्या होगा दोस्तों, आप जब भी उसके बारे में आपका कार्ड नहीं मिलेगा, आप उसके बारे में पता करने जाएंगे अपने वोटर सेंटर में या अपने BLO से या अपने SDM ऑफिस में, जहाँ भी आपका लगता है चुनाव विभाग का कार्यालय, तो वो आपसे एप्लीकेशन ID या रेफरेंस ID मांगेंगे। इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ इसको कमेंट करके बताना, इसको अपने सभी युवा भावी मतदाता दोस्तों में शेयर करना जो भी स्कूल कॉलेज के नए बच्चे हैं, ताकि ये वीडियो सबके काम आ सके। और इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना चैनल को। तो दोस्तों आज के लिए गुड बाय, टेक केयर।